आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको अपने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, साथ में इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट और सारी डिटेल आपके बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन की बात कर लूँ तो मैं अभी विजय सिंह यादव पथ में हूँ। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये त्रिभुवन स्कूल है और वो विजय सिंह यादव पथ हो गया। ये खगौल रोड से हार्डली आपको 400 से 500 मीटर डिस्टेंस पर पड़ता है। और साथ में इधर आपका बगल में होली मिशन हाई स्कूल है, दो स्कूल प्रोजेक्ट के बगल में ही हैं। और इस लोकेशन के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं। एक बार लोकेलिटी देख सकते हैं। ऐसे लोकेशन में हम लोग 17 कट्ठे की लैंड में ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कि पूरा G+4 का ये अपार्टमेंट है। इसमें कुछ एमिनिटीज भी दे रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया वगैरह इसके अंदर में दे रहे हैं, मंदिर दे रहे हैं। बहुत सारी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जा रहा है, जो कि एक छोटे अपार्टमेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। ये G+4 का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर का ढलाई हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर ये हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो चुका है। इसके ऊपर सेकेंड फ्लोर का काम चल रहा है। अभी इसका पोजीशन आपको मिलेगा अगले साल हार्डली सितंबर अक्टूबर तक में आपको पोजीशन मिल जाएगा। हम आपको इसके अंदर 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स मिल जाएंगे। 2 BHK का साइज है 1077 और 1085 स्क्वायर फीट और 3 BHK 1350 स्क्वायर फीट से साइज स्टार्ट है, जो कि लमसम 2400 स्क्वायर फीट तक का साइज है इसमें अवेलेबल है। कुछ ही इन्वेंट्री हमारे पास बचे हुए हैं, हार्डली 4 से 5 इन्वेंट्री आज के डेट में हमारे पास बचे हुए हैं। अगर आप भी ऐसे लोकेशन में फ्लैट लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। और भी थोड़ी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। हम लोग का पिछले 15 साल से रियल एस्टेट में का बैकग्राउंड है, रह चुका है। हम लोगों ने पटना के अंदर में 8 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। ये हमारा 9वां प्रोजेक्ट है। साथ में एक और प्रोजेक्ट जो कि 4 BK का है, वो भी डेवलप कर रहे हैं हम लोग उत्तरी बाजार के पास में। ये रेरा से अप्रूव प्रोजेक्ट है और साथ में SBI से आप 80% तक का लोन फाइनेंस करवा सकते हैं या किसी भी नेशनल बैंक से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। धन्यवाद।